तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है। तो यहाँ पर हम 6 इंच की बेल्ट रखेंगे। तो इंची टेप को हमें 6 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ से सलवार की लंबाई नापेंगे। तो सलवार की तैयार लंबाई हमारी 37 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे। और पाट की चौड़ाई हमारी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पार्ट की कटिंग कर ली है। एक साथ में हमने 2 पार्ट की कटिंग करी है। तो इसको रखते हैं साइड में और कली की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से बिछाना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 6 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप को हमें 6 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और तैयार लंबाई हमारी 37 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। और जो हमारा नीचे का कपड़ा बचेगा तो उससे हम क्या करेंगे, बेल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आसन की लंबाई नापेंगे। तो आसन की लंबाई हमें 8.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर आसन की लंबाई 8.5 इंच रखेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर तिरछे में इंची टेप को रखेंगे, इस तरह से दोनों निशान को मिला के। और यहाँ पर इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी निशान लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस तरह से निशान को लगाया है। 8.5 इंच पर हमने इस साइड में निशान लगाया है और 8.5 इंच पर हमने उस साइड में निशान लगाया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साथ में 4 कली कटिंग करी है। एक पल्ले में हमारी 2 कली सिली जाती हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 कली हमारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का कपड़ा बचा था तो इसमें से हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट को सलवार में सिलने के लिए। ठीक है, और यहाँ से बेल्ट की लंबाई नापेंगे। तो बेल्ट की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। और दूसरी तरफ भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। फिर हम क्या करेंगे, बेल्ट की चौड़ाई नापेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 20 इंच है, जिसमें 1/2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो 20.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। जितनी भी आपकी कमर हो
उससे आपको 4 इंच की लूजिंग लेके ही निशान लगाना है, ठीक है, 4 या 5। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे और यहाँ पर ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हमें कली को लेना है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट में एक कली को सिल लिया है, तो अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और दूसरी कली को सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक पार्ट में 2 कली को सिल लिया है, इसको यहाँ पर सीधा रखेंगे और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी 2 कली सिली हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं एक पार्ट में हमारी 2 कली सिली जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आसन से लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने दांत सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को एक बराबर करेंगे और दूसरी तरफ भी आसन को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्लेटें सिलेंगे। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे। पीछे की तरफ हमें 2 प्लेटें डालनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने 2 प्लेटें डाल ली हैं। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 9 इंच पर हमें यहाँ पर कट लगा देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें पीछे की तरफ प्लेटें नहीं डालनी है, सिर्फ आगे की तरफ प्लेटें डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी साइड में प्लेटें डालेंगे इस तरह से चौड़ी चौड़ी। तो यहाँ पर आसन आ चुका है, तो यहीं से हम प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रख देंगे। तो इस तरह से हम प्लेटों को सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कट आ चुका है, तो यहीं तक हम प्लेटें सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेटों को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को लिया है, ऊपर से इस तरह से 2 इंच तक हमें फोल्ड करना है और यहाँ से कट लगाएंगे। साइड में हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर हमारी डोरी डाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर हम इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। एक कट हमारा पीछे वाले आसन पर आएगा, ठीक है, और जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है वो आगे वाले आसन पर आएगा। और इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर हमने सलवार को लिया है और सलवार में देखिए हमारी जो बेल्ट है वो एक बराबर आ रही है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार को बेल्ट में सिलेंगे। तो सलवार को हमें इस तरह से रखना है, जो हमारी आसन वाली सिलाई है उसको हम क्या करेंगे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारी बेल्ट में सिलाई लगी है इन दोनों सिलाई को हमें क्या करना है इस तरह से मिलाना है बिल्कुल एक बराबर, तभी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारा कट है वो पीछे वाले आसन पर आया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो पूरे में हमें सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने सलवार को बेल्ट में सिल लिया है। इसमें हमें सीधी तरफ दाब सिलाई लगानी है और पौचे को यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो पौचे की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, जिसमें 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। पौचे की चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बुकरम वाली पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले कपड़े पर सिल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम यहाँ पर बुकरम वाली पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है और इसमें हमें डिजाइन बना लेनी है। इस तरह से हमने डिजाइन को भी बना लिया है। अब हम यहाँ पर पौचे को बराबर करेंगे और पौचे की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें सिलाई लगा दी है और हमें डबल सिलाई भी लगा देनी है।
ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो सिलवार है वो सिलकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।